गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पढ़ना है टर्म टू का सिलेबस तो आप लोगों ने टर्म वन में हम समझते हैं कि बहुत अच्छा किया होगा तो ये जो है आप लोगों का न्यू सिलेबस है न्यू सिलेबस सब्जेक्ट कोड जीरो एट सिक्स सेलेबस पर्पज़ फार द एग्जामेशन टू एंड ट्वेंटी क्लास नाइन्थ एंड टेंथ इसमें हम दिखाते हैं कि आपको जो है क्या पढ़ना है अब आप, आप लोगों का जो है टर्म टू में केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है तो आपको जो है तो बच्चों आप लोगों को जो टर्म टू में पढ़ना है देखिए यहाँ टर्म सिकेंड का सिलेबस दिया गया है टर्म सिकेंड के सिलेबस में जो है केमिस्ट्री का दो चैप्टर है एक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है दूसरा है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है दो चैप्टर है क्या ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है तो सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में क्या है सिलेबस के अंदर कोवेलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड क्या कोवेलेंट बाइंडिंग इन कार्बन कंपाउंड वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलोगस सीरीज और क्या पढ़ना है होमोलोगस सीरीज सिलेबस में तो बहुत कम है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग अभी टर्म ओन का एग्ज़ाम देकर आए हो और टर्म वन के एग्ज़ाम में आपको पता चला कि सिलेबस के बाहर से भी पूछा गया था तो हम आपको इस टाइप से पढ़ाएंगे कि जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए वो सिलेबस में है या सिलेबस में नहीं है इसको लेकर आप मिलाएंगे नहीं हम आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ जो है वही एग्ज़ाम में आया था जो हम टर्मोन में आप लोगों को पढ़ाए थे तो वही हम इस बार भी पढ़ाएंगे टर्म सेकेंड में भी जो हम पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है देखिए चैप्टर का क्या नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पढ़ना होगा व्हाट इज कार्बन भले आप कार्बन के बारे में जानिए व्हाट इज कार्बन कार्बन तो कार्बन क्या है तो आप डायरेक्ट बताएंगे सर कार्बन इज ए एलिमेंट क्या है सी इज ए एलिमेंट यह एक एलिमेंट है तो आपका हम पूछेंगे कि व्हाट इज द एलिमेंट तो आप बताओगे एलिमेंट इज ए प्योर सेबिस्टेंस एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं प्योर सबस्टेंस जो क्या करते हैं सेम टाइप के एटम से बने होते हैं एलिमेंट क्या होते हैं एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ या सेम काइंड ऑफ एटम उसके बाद आपको आता है व्हाट इज कंपाउंड अब पहले आप ये भी जान लो व्हाट इज कंपाउंड उसके बाद जो है कार्बन का और इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो कंपाउंड क्या होते हैं आप देखिए वेन टू आर टू आर मोर देन टू एलिमेंट टू एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स प्रपोर्शन बाई मस बाई मस देन कंपाउंड इज फार्म वैन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कम्बाइन विथ प्रोपोशन बाई मास देन कंपाउंड इज फार्म ए डिफिनीसन है जैसे आपका डिफिनीसन कंपाउंड uh, जैसे एच टू एक कंपाउंड है सी ओ टू एक कंपाउंड है इसके डिफिनिशन के बारे में आपको जो है अच्छे से क्लास नाइन्थ में पढ़ाया गया है अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आपको इतनी डिफिनीसन ही आप लोग काफ़ी है तो जैसे एच टू है सी ओ टू है सी सिक्स एच सिक्स है कुछ भी है इस तरह से क्या कहलाते हैं कंपाउंड कहलाते हैं सी ओ टू एन ओ टू ये सब क्या है कंपाउंड है एन सी एल क्या है कंपाउंड है ये क्या है एलिमेंट क्या करते हैं कंबाइन करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में समझ में आया तो इस तरह क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं अब कार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स और कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं आइसोटोप ऑफ कार्बन आइसोटोप ऑफ कार्बन देर आर टू आइसोटोप ऑफ कार्बन एक होते हैं सिक्स सी ट्वेल्व दूसरा क्या होते हैं सिक्स सी फोर्टीन एक का जो है एटॉमिक वेट क्या होता है फोर्टीन होता है एक का एटॉमिक वेट जो होता है ट्वेल्व होता है एक का एटॉमिक वेट ट्वेल्व एक का एटॉमिक वेट फोर्टी आइसोटोप किसी को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक वेट क्या होता है डिफरेंस होता है उनको बोलते हैं आइसोटोप कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं और उसके बाद कार्बन के तीन एलोट्रोप होते हैं क्या होते हैं कार्बन के तीन एलोट्रोप होते हैं एलोट्रोप किसको कहते हैं इनके जो फिजिकल जो है बिहेवियर्स होते हैं फिजिकल्स अपियरेंस के आधार पर जो अलग अलग कंपाउंड के जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके कंपाउंड्स होते हैं जो वो जो है क्या कहलाते हैं एलोक्ट्रोप्स कह है? scholar, जैसे ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वो कार्बन का एक एलोट्रोप है दूसरी चीज़ डायमंड डायमंड क्या है कार्बन का एक एलोट्रोप है ये जो है अलग तरीके का दिखता है फिजिकल अपीयरेंस ये अलग तरीका का दिखता है उसके बाद कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक या फिर इसी को बोलते हैं चार कोल ये क्या होते हैं तीन इसके जो है आपके जो है एलेक्ट्रोप होते हैं कार्बन के ये हो गए आपका जो है कार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन उसके बाद जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स और इसमें जो होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन होते, होते हैं और प्लस सिक्स प्रोटॉन होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिक्स प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं देखिए तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं सेल्स में करते हैं तो अगर हम सामान्य जो है के एल एम एन में निकालेंगे तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो टू और उसके बाद फोर टू और फोर इस तरह इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया अगर ये एस पी डी एफ में निकालेंगे तो क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी टू ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पी डी एफ में ये हो गए आपके जो है कार्बन के जनरल इंट्रोडक्शंस और व्हाट इज़ द कंपाउंड अब आपका जो है स्टार्ट होता है चैप्टर तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इस चैप्टर को जो है आपको समझाएंगे तो आप लोग क्या करिए चैनल को अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपके स्टेप बाय स्टेप जो है सिलेबस कोर्स के अकॉर्डिंग आए वो आपको मिलती रहे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय